सबसे पहले चैलेंज तो था जब फिल्म शुरू करी हम लोगों ने, बट जो आज हम लोग पहुंचे ट्रेलर लॉन्च पे, तो एक्साइटेड हूँ मैं। फिल्म हमारी 8 तारीख को आ रही है और ट्रेलर फाइनली हो रहा है इसका। मैं एक्साइटेड बहुत हूँ और थैंक्स अभिनव सरकार की, उन्होंने जो उनकी मेहनत, मतलब जो हम सबकी टीम की मेहनत है, वो आज मतलब ऐसा रंग लेके आई है आज। तो ट्रेलर लॉन्च पर हम लोग पहुँच गए, फाइनली हमारी फिल्म रिलीज होगी। सबसे पहले बोलना चाहूँगा, मैंने अब तक किसी को असिस्ट नहीं किया है और मैंने अब तक 25 शॉर्ट फिल्म्स में शॉर्ट फिल्म के जरिए ही सीखता गया, और ये थैंक्स टू पिस्विंग प्रोडक्शन, जहाँ पे उनको कहानी सब्जेक्ट पसंद आई और फिर ये फिल्म रिलीज़ हुई और आज हम ये मुकान पे जो ट्रेलर लॉन्च भी हो रही है। और आई वुड लाइक टू थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर नरेंद्र पटेल एंड जयस पटेल एंड इंटायर कास्ट एंड क्रू, जिन्होंने सारे लोग ने मेहनत की और हम यहाँ तक आए इस प्रोडक्ट के फिल्म को। सर सब्जेक्ट तो नहीं खोलूंगा, ये सब प्रोटोकॉल, बट द सब्जेक्ट इज दैट शादी सर चीज़ें अच्छी है, शादी आप करो तो अच्छी चीज़ है, पर उसको निभाना किस तरह से आप निभाते हो, इस फिल्म में मैंने वो दिखाया है। जो इंटायर मतलब शादी मैंने एक होती ना सर, इंडिया में शादी करते तो लाइक दहेज चाहिए या अच्छी लड़कियाँ चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, पर यहाँ पर ये सब्जेक्ट नहीं है। इस सब्जेक्ट पर काफ़ी फिल्म आ गई है, मैंने ये सब्जेक्ट दिखाया था जो शादी होती है और किस तरह से भी शादी, इस एक इस तरह की भी शादी, लोग 90s की शादी शायद भूल गए, तो मैंने 90s की शादी वापस लाना चाहिए। जो शादी जो होती है, दो बंधन का मिलन होता है और किस तरह से उसको आप पूरा करना, और सोसाइटी इसमें किस तरह से इन्वॉल्व भी होती है और नहीं भी इन्वॉल्व होती है, तो बेसिकली एक सोसाइटी को बताना चाहता हूँ एक शादी ऐसी भी हो सकती है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। जी 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 हाँ, कृतिका चौहान बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और काफ़ी सारे सीरियल भी कर चुकी है। सर सारे एक्टर ने अच्छे काम किए, सारे एक्टर ने अच्छे काम, और क्या होता है सर फिल्में दो जगह बनती है, एक तो डायरेक्टर टेबल में बनती है और एक पोस्ट के टेबल में, एडिटर टेबल बनती है। ये फिल्म हमारे क्रू मेंबर ने बनाया, टेक्निकल टेबल पर ज़्यादा बनी है फिल्म, जहाँ पर प्रोड्यूसर मैं सारे टेक्निकल टीम इन्वॉल्व रहे थे, एक्टर अपना काम करके चले गए, बाकी हम पोस्ट में सारे चीज प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी हम होते हैं एडिटर ये सारे मिलके ने बोला नहीं इस फिल्म को इस तरह से किया जाए, तो बेसिकली बताऊंगा ये टीम वर्क है, पूरी पूरी टीम ने बनाई इस फिल्म को। सर जयेश पटेल जी ने जो बैकअप किया सर, जयेश सर लाइक अभी क्या बताऊँ सर, एक उन्होंने एक वो प्रोडक्शन स्पॉटवे का भी काम नहीं है जो नहीं किया, सारे वर्क किए थे, अब तक हम पीछे खड़े हैं, और थैंक्स टू जयेश पटेल और नरेंद्र पटेल जिनकी वजह से फिल्म इस मुकाम पे लेके आया मैं। और लाइक आई ऑलवेज जब भी मैं याद करूंगा तो मेरी पहली फिल्म कब आई, तो आई ऑलवेज लाइक नरेंद्र पटेल सर जयेश पटेल को हमेशा मैं थैंकफुल बोलूंगा एवरी एंड ईच टाइम सर, सो लाइक दैट। और बिहार का भी बैकड्रॉप बहुत दिखाया गया है फिल्म में, क्या सर बिहार का ही बैकड्रॉप नहीं दिखाया मैंने, मेट्रो सिटीज का बैकड्रॉप दिखाया मैंने, जो शादी किस तरह के मतलब कितने सिटीज़ में शादी किस किस तरह से होती है। बेसिकली मैंने नॉर्थ को टारगेट बनाया, इट्स नॉट स्पेशली फॉर बिहार, टारगेट मेरे नॉर्थ थे, जो वहाँ पे शादी ऐसी भी होती है जो टाउन में ऐसी शादी नहीं होती, यहाँ पे शादी एक दिन में खत्म हो जाती है। आप जाओगे नॉर्थ में शादियों का माहौल एक महीने से चालू होता है, गुजरात में जाओगे एक महीने से शादियों का माहौल, वही माहौल मैंने इस फिल्म के जरिए दिखाया जो लोग अब भूल चुके हैं, शादी भी एक कमर्शियल चीज़ हो गई है, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लेके आया। शादी के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए ना सर, किस प्रकार की शादी है सर, ये शादी सर बहुत ही यूनिक है सर। हाँ सर, ये उल्टा फेरा सर, ये ऐसा है कि मतलब जो डायलॉग है कि शादी का लड्डू खाए और पछताए ना खाए वही पछताए, तो स्पेशली मैंने वही लड्डू दिखाया, लड्डू दिखाया है, लड्डू दिखाया है, शादी जो गोल है वो बेसन का लड्डू है कि रवा का सर, रवा का लड्डू ओके ओके। शादी के बारे में सर, सर ये शादी देख एक बुक पढ़ी थी मैंने नमक स्वादानुसार, वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था इस शादी के बारे में, तो एक शादी जो होती है सर, अब मैं इतना चीज़ तो नहीं बता सकता, टेलर में आप टेलर देखो तो पता ही चल जाएगी, तो यहाँ पे शादी मैंने दिखाया है, एक शादी जो होती है घर के अनुसार भी होती है, घर के मतलब एक बोलते हैं ना बियॉन्ड द घर जा मतलब परमिशन मतलब आप शादी कर लो, तो मैंने ये चीज़ दोनों दिखाया, जो आप परमिशन करते हो तो किस तरह से शादी होता है, परमिशन नहीं लेते तो किस तरह से शादी होती है। शादियों की बात करें तो ये कई देश के अलग अलग स्टेट के अलग अलग रेगुलेशन होते हैं, जी जी उनके तौर तरीके होते हैं शादी का, ये किस स्टेट को आधारित है? नॉर्थ और गुजरात, नॉर्थ और गुजरात।
यू प्रोडक्शन हाउस इनका है, ये प्रोड्यूसर है जयेश पटेल जी, और थैंक यू सो मच सर यहाँ तक तुम्हारी मेहनत है। मतलब इनका कहना है शॉर्ट फिल्म से कैसे जहन में आई जो बड़ी फिल्म बन गई सर, उनका ये कहना है। हमने पहले एक साथ में शॉर्ट फिल्म की थी, इनको तो मैंने पहले फिल्म दिखा दी थी, फिल्म ही दिखा दी थी सर, उन्होंने खुद बोला नहीं इस फिल्म को इस लेवल पे लेके जाना है, तो फिर डबल मेहनत हो गया, जहाँ पे एक लोग थे वहाँ पे दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से भी सौ हो गए, आप लोग सब आए। जो मेन जो अपना जो मैसेज है वो ये कि शादी जैसे शादी के अंदर कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में क्या रिजल्ट आएगा सर कॉन्सेप्ट इंस्पिरेशन यही था, जब मैंने बुक पढ़ी थी बुक मुझे अच्छी लगी थी, और बताना चाहूँगा इस पर एक बार साउथ में भी फिल्म बन चुकी है, फिल्म का नाम था उफ प्रोफेसर, जो 80% ही बुक से इंस्पायर था। फिर जाके मैं बुक के ऑथर निखिल सचान सर से मिला, उनसे सारे ऑथोरिटी लिए, फिर मैंने इसके इस स्टोरी को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा। बाद में इंस्पिरेशन ये था सर शादी की, मतलब एक रूल मुझे बतानी थी सर, वो फिट बेटी देविका के रोल में जो मुझे चाहिए था, एक लड़की जो नॉर्थ का भी कैरेक्टर करे, गुजराती का भी कैरेक्टर करे, और एक पंजाबी लड़की का भी कैरेक्टर करे, तो वो सारे कैरेक्टर में फिट थे, और शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस सर। ऊपर की कैरेक्टर के ऊपर हम लोगों ने काम करा बहुत। फिर हम शूट पर गए, वहाँ भी हमारा हम लोग तीन दिन पहले पहुँच गए थे शूट से, शेड्यूल से तीन दिन पहले हम लोग पहुँच गए थे, और हम लोगों ने फिर रिहर्स किया सारी चीज़, सीन टू सीन हम लोग गए, तो इनके साथ रह के मतलब इन्होंने जितना बताया समझाया कुछ अपना इनपुट डालकर, तो कैरेक्टर ऐसे हम लोगों ने बिल्ड करा, और बहुत काम करके मज़ा आया। और जो एक्ट्रेस हैं प्रतिका चौहान, अनफॉर्चुनेटली वो अभी यहाँ पर नहीं है, किसी काम में बिजी हैं वो, तो उनका काम भी बहुत बढ़िया है इस फिल्म के अंदर, अब देखेंगे आपको पता लग गया। सर को जैसे सब लोग बोलते मैं लव स्टोरी आज तक कभी नहीं बनाया, मैं ऑलवेज लाइक सोसाइटी सिस्टम इससे, तो सर चाहते थे मैं उनके लिए एक लव स्टोरी बनाऊँ, और इसके राइटर यश गौर सर, और मैं लक्की मानता हूँ उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने अभी बहुत अच्छी नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज़ लिखी थी, तो उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाया था मुझे, जहाँ पे मैं और नरेंद्र सर जयेश सर तीनों मिले थे उनसे, और ये टेंटेटिव नेम है कर्फ्यू, हम चेंज करेंगे इनका नाम, ठीक है। तो मुझे अच्छी लगी जो एक लव स्टोरी ऐसी भी होनी चाहिए, और ये पूरी जो बेस्ट मूवी है सर एक सोल्जर लव स्टोरी पर है, तो
तो बेसिकली मुझे करना था और सर चाहते थे मैं ही करूँ, तो पर हमने बोला चलो करते हैं सर, तो बेसिकली। और आखिरी में पूछना चाहूंगा, जैसा कि आपके बारे में मालूम है कि आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है असिस्ट करने का, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में जो डिजिटल मीडिया में इतना स्ट्रांग हो गया है? हाँ सर, कि शॉर्ट फिल्म्स बना के आप शोकेस कर सकते हैं अपने टैलेंट को, तो वो बताइए जो निर्देशक बनना चाहते हैं फ्यूचर में उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकें? सर अभी तो उतनी तो मैं ज्ञान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे बोलना, लेकिन सर मुझे पता था जो मैं एक दिन इस लेवल पे आऊँगा। और असिस्ट करने का रीज़न भी था सर, क्योंकि आपको कोई असिस्ट करने दे तो करोगे ना सर। ट्राई ऐसा नहीं, ट्राई किया पर करना ही नहीं चाहते थे वो लोग, देना ही नहीं चाहते थे, और काफ़ी लोग चाहते थे सर जो, तो फिर सर जो घर बैठने से अच्छा मैं खुद का कुछ करूँ। आई एम थैंक्स टू अभिलेख जो मैं डे वन से हर एक फिल्म में मेरे साथ रहा, और मैंने हम दोनों ने प्रॉमिस किया था साथ में एक फिल्म डेब्यू करेंगे, तो आई एम थैंक्स टू अभिलेख। और सर मैं यही बोलूँगा, एक बिलीव होती है, मुझे बिलीव था मैं आऊँगा और यहाँ तक आऊँगा, और फिर यही था करना था सर बस, और कुछ नहीं था। और इंस्पिरेशन यही रहता है सर, ये जो बोलते हैं ना फिल्म बैकग्राउंड गया माहौल सर, अभी कोई भी कुछ भी कर सकता है, अभी एक नई रहा जमाना जो करण मतलब खान कपूर ही चलेंगे, हर कोई चल सकता है, ऐसे कंटेंट सिनेमा भी चलता है सर, तो आई बिलीव था। कुछ कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, काफी लोग बहुत बहुत धीमी गति से बात कर रहे हैं, स्लो स्लो बात कर रहे हैं, तो क्या आपने चेक वगैरह नहीं दिया है क्या सब? सर आई विल टेल यू दैट थिंग सर, मैं ये जब मैं आंसर दूं इसका सर, चेक वगैरह मिल गया है सर सबका? माइक दो ना प्लीज सर, सर सर को माइक दो ना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि सबको टाइम से मिल गया है, किसी किसी का बैलेंस है इसलिए उनका आवाज स्लो आ रही है। नहीं नहीं सर, उनके फर्स्ट टाइम इसलिए सर आवाज स्लो है, उनका ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है सर। अच्छा सर, अब मेरा अभिनव सर से सवाल है, ये थोड़ा पोस्टर के बारे में रोशनी डाले जो सिगरेट पीते हुए, ये कैसी कौन सी देश की परंपरा है शादी के मंडप में बैठी और सिगरेट पी रही है? आपको बताना चाहूंगा सर, इंडिया में आज के डेट में वुमेन से ज्यादा सिगरेट पीती है एक्सपेक्ट द मेन सर, आप जाओगे दुकान पे तो ज्यादा लड़कियां ही सिगरेट खरीदती है सर। मंडप सर ये हमारा एक सेप्पा है जो इस, अगर आप इस तरह से शादी करोगे तो इस तरह की भी लड़की मिल सकती है आपको, तो ठीक है डिपेंड ऑन माइंड मेंटेलिटी ऑफ सोसाइटी सर। मतलब बेड पे भी रहेगी तो भी सिगरेट पीते कहीं पे भी सर वो हो रहा है सर, सिगरेट तो आम बात है सर आज के डेट में। प्रताप, प्रताप से मेरा सवाल है, प्रताप एक अभी आपने कुछ रेडियो जॉकी का किरदार है क्या आपका इस फिल्म में, अभी आप एक सीन कर रहे थे बनियान में बंडी में, वो क्या है जरा उस सीन के बारे में बताएं। नहीं सीन मैं रेडियो जॉकी तो नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ अपने घर में, पैसा बहुत है पर इगोइस्टिक आदमी है ये, तो शादी उसकी हो जाती है घर वालों के कहने से, लड़की सुंदर है कर लेता है शादी, फिर बाद में बातचीत करता पता लगता है कि ये तो कुछ और ही हो गया, वो लाइफ चेंज हो गई है, तो फिर ट्विस्ट आते हैं उसकी लाइफ में, वो लड़की के पास जाता है नहीं जाता है, सीखता है उससे कुछ, तो ये सारे जो चीज तोड़ मोड़ के जो उसकी लाइफ एकदम बदल जाती है आफ्टर मैरिज, तो ये है इसके अंदर सारी चीज़ें। वो काली टैक्सी वाली क्या बात है जरा उस पे रोशनी डालें, काली ये मैं इसका जो है हमारे डायरेक्टर साहब आपको बताएंगे अच्छे तरीके से इसका मतलब क्या है सर, प्लीज बताएं काली टैक्सी क्या होती है, काली पीली, काली पीली तो सुना था, काली टैक्सी क्या है? काली टैक्सी सर जो लड़की है वो दैट डायलॉग मतलब वो अपनी बीवी को बोल रहा है और हमारे सेंसर को गालियां पसंद नहीं है, तो मैंने इस तरह से वहां पे कुछ और थे, और जैसे काली टैक्सी जो है सर डिपेंड ऑन ये वो हमने दिखाई किस टाउन में है और किस से रिलेट कर रहा है, तो आप मूवी जब देखोगे वो कहाँ गई है किस टाउन से बात कर रही है कहाँ पे है कौन से टैक्सी में सारी चीज इन्फॉर्मेशन वहीं पे है सर। सेंसर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, कोई तकलीफ आई क्या परेशानी आई इस सब सिगरेट वगैरह पीते हुए दिखाया था आपने? नहीं सर बहुत प्यार हो गया सेंसर से, मैंने आज ही उनको गुलाब भी भेजा सर वैलेंटाइन के, बहुत प्यार हो गया था सेंसर से। ये सीन दिखाया था आपने जो ये सिगरेट सारी चीजें सारे सीन है सर सारे सीन दिखाए। चलिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा फिल्म में काम करके, और ट्रेलर आया है तो एक्साइटेड हम दोनों बहुत, और फिल्म भी आने वाली 8 मार्च को, तो काम करके मज़ा भी आया क्योंकि जो मेहनत हम लोगों ने की है वो फाइनली अब फिल्म निकल के आ रही है, ट्रेलर आ चुका है अभी। देखो कंसेप्ट बहुत डिफरेंट है, ट्रेलर में आप लोगों ने देखा क्या कंसेप्ट है, ये सुहागरात इम्पॉसिबल है, तो ये नाम से कहानी रिलेट करती है और एक लड़की की जर्नी, वो कैसे 2-3 लड़के और मिलते हैं उसे आगे, और बहुत चीज़ें हैं, बहुत अप डाउन है कहानी, बहुत ट्विस्ट, मतलब ऊपर नीचे ऊपर लेयर है ऊपर नीचे ऊपर,
पब्लिक को देखने में बहुत मजा आएगा इस फिल्म में। नाम ही इतना मतलब इंटरेस्टिंग है, स्वागत इम्पॉसिबल। मैं अपने किरदार में मेरन मैं जो पवन है प्यारम अभी जो पवन बने मेरे छोटे भाई कजन है, मैं कजन का करेक्टर कर रहा हूँ इनके, और जो फिल्म में इन्हें बहुत उत्साह करता है। मेरा मेरा जो करेक्टर ऐसा है कि आदमी होता नहीं उकसाने पे भड़क जाते हैं, ऊपर चने के झाड़ पे चढ़ा होता है, वैसा ही हम ये मेरे साथ पूरी फिल्म में फिल्म में भड़काता हूँ, ये एक्साइटेड होते हैं फिर एक्शन लेते हैं, तो जैसा है हम दोनों का। मतलब ये इससे पहले मैंने अभिनव जी के साथ एक फिल्म और करी है, जुमको फिल्म करी है, उससे पहले एक फिल्म मैंने और करी अभिनव सर के साथ ही रामकली करके, और मैंने कुछ एपिसोडिक और वो डेली सोप वगैरह शोज मैंने करे, और फिल्म मैंने एयरलिफ्ट फिल्म करी थी मैंने, बहुत छोटा सा सीन था, और अभी कंटिन्यूसली दो तीन प्रोजेक्ट और चल रहे हैं। मैंने शॉर्ट फिल्म्स की दिल्ली, बेसिकली दिल्ली से मैं थिएटर दिल्ली में किया हुआ 2.5 साल, देन मुंबई में शॉर्ट फिल्म्स की मैंने 5 से 6 शॉर्ट फिल्म्स की, फिर तब फिर मैं स्टार प्लस एक शो किया था, 3-4 महीने चला वो शो, वो किया, देन उसके बाद फिर मैंने फिल्म सीखा अभिनव सर के साथ, हम लोगों ने काम किया फिल्म, बेसिकली मेरी फर्स्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर। ऑडियंस हम दोनों यही कहना चाहेंगे कि एक तो नाम बहुत इसका कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट है, और जिनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है, उन दोनों को मजा आएगा फिल्म देखने के बाद, क्योंकि 8 मार्च को रिलीज हो रही है, और ये फिल्म देखने के बाद हम जैसे लौंडे तो समझ जाएंगे कि भाई सुहागरात पे थोड़ा सोच समझ के स्टेप आगे बढ़ा, वरना ऐसा कुछ भी हो सकता है। शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो पछताए, ये है चलता रहेगा, और बहुत बड़े फिल्म। एनी क्वेश्चन कुछ? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।